इंडिया। और मेरा भाई फुल आज इंडियन टी शर्ट में है। आज मैं गलती से इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, ऑल द आई एम पाकिस्तानी। हाँ, तो ये पाकिस्तानी फिर भी आज मेरे साथ में आके कन्वर्ट हो गया, इंडियन हो गया एक दिन के लिए। और आज हम लोग जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच देखने के लिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो हो रहा है काफी सालों बाद, है ना। तो बहुत ही जबरदस्त और लाइटनिंग एटमोसफियर होने वाला है दुबई क्रिकेट स्टेडियम में, जिसका नजारा यहाँ से देख सकते हैं। ट्रैफिक का पूरा ट्रैफिक जाम है आगे, और अभी बज रहे हैं 5-6 बजे तक हमको पहुँचना है। तो होपफुली 30 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। कितना बता रहा है? 17 मिनट्स दिखा रहा है, लेकिन कुछ एक्सीडेंट हो चुका है। सो ये है अपडेट, और बाकी का वीडियो देखने के लिए प्लीज कीप वाचिंग। बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है। खैर रिजल्ट तो आपके सामने आ ही गया होगा जब तक ये वीडियो पोस्ट हो जाए, लेकिन स्टेडियम का क्या माहौल होगा ये बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो प्लीज कीप वॉचिंग। तो शुरू करते हैं शुरुआत से। ऐसा रश तो आज तक मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी कोई स्टेडियम में कोई मैच में नहीं देखा जितना आज ये इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए यहाँ पर हो रहा है। माय गॉड, इट्स रियली क्रेजी मैन। हमें आधा घंटा और अभी चल सकते। अरे अभी और थोड़ा बहुत चलना बाकी है यार, बहुत ट्रैफिक है यार। और एक एडवाइस, अगर आप लोग दुबई में मैच देखने जा रहे हैं तो डेफिनेटली 2 घंटा पहले पहुँच जाना स्टेडियम, वरना यही हाल होगा। आई डोंट थिंक दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर ऑल अदर मैचेस एक्सेप्ट फॉर दिस वन। हां, एक्सेप्ट फॉर एनी बिग मैचेस लाइक क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, और स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के पाकिस्तान इज 68 फॉर 2 लॉस। क्या बोलता है, क्या होएगा? अरे नॉट इंडिया, पाकिस्तान का 20 ओवर्स के बाद स्कोर क्या होगा? प्रोजेक्शन स्कोर 175। आई सेड लेस देन 160। लेट्स सी। और पाकिस्तान के 7 विकेट, और देख सकते हैं इंडिया में चीयर्स किए। इंडिया 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 इंडिया। कौन है? रोहित है ना, कैच छोड़ा। रोहित यार कैच छोड़ दिया लास्ट मैन की। बिग लूजर मैन। अच्छा खासा दबा दिए होते पूरा। अभी हारे ना, इसकी वजह से आ रहे हैं। इसकी वजह से आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं रिडिकुलस लेजी एस मैन। और बंटा क्या बोलता है? 147 ऑल आउट पाकिस्तान। ग्रेट मैच। तो बात लास्ट में 15-20 रन फालतू के आ गए। रोहित शर्मा की वजह से बहुत गंदा कैच छोड़ा उसने। देखते हैं अभी क्या होता है। बहुत मजा आने वाला है सेकेंड हाफ में यार। बहुत ही लाइटनिंग एटमॉस्फियर है इंडिया पाकिस्तान मैच का जब दुबई क्रिकेट स्टेडियम में। और जब भी विराट कोहली इधर ग्राउंड में आता था तभी जो क्राउड क्रेज और जो नॉइज आता था, मतलब वो देखने वाली बात थी। और ये देखना, मतलब यहाँ पे विटनेस करना, इट्स लाइक अमेजिंग फीलिंग। तो आई डेफिनेटली रिकमेंड कि जब भी इंडिया का बड़ा मैच हो तो आप इंडिया या पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान के फैंस हैं, ज़रूर यहाँ पर आएँ और यार ये लाइटनिंग एटमॉस्फियर को इन्जॉय करें। और आज बहुत ही अच्छा चांस है इंडिया के पास भी ये मैच जीतने का। सो आई वुड से कि इंडिया इंशाल्लाह ये मैच ज़रूर जीते इंशाल्लाह। और बहुत सालों बाद, मतलब इतनी खुशी हो रही है स्टेडियम पे इतना मैच देखने के बाद में। सो इफ़ यू आर इन दुबई और यूएई, यू शुड कम टू दुबई क्रिकेट स्टेडियम एंड सी द लाइव मैच। पर दोनों अपने ओपनिंग खिलाड़ी आ गए हैं ग्राउंड पे। तो क्या बोलता है शानो? इट्स वन-साइडेड गेम है। first ball. Let's see. और 10 ओवर के बाद में इंडिया टीम का स्कोर है 62 for 3. क्या बोलते हैं शाहरुख, क्रिकेट का मैच टफ हो रहा है यार. कोहली ने बहुत बहुत परफॉर्मेंस किया, एक्सेप्ट फॉर कोहली. थोड़े रन आए लेकिन वी वर एक्सपेक्टिंग समथिंग. लाइफ मिलने के बाद तो उसको बहुत कम इनिंग खेलनी चाहिए थी. दूसरा मारा. लाइफ मिलने के ऊपर एक दोस्त याद आती है मेरे को, जिसको हम लोग की मैच में बहुत लाइफ मिली. सो लास्ट 12 बॉल में 21 रन और लास्ट ओवर डालेगा कौन, ये है सबसे बड़ा सवाल. और ये है बॉल. आई लव यू जड्डू जो बैटिंग की है और जो उसने जो चौका और छक्का मारा. डालेगा कौन है तो लास्ट ओवर डालेगा कौन. हम पूरा मैच है बॉल द लास्ट ओवर. देन तो जड्डू शूट्स थे और पांड्या तो खड़े खड़े उसको पहुंचा देगा. लास्ट 3 बॉल 6 रन टू विन. एक से एक इधर ही आना चाहिए. कम ऑन पांड्या. और ये है विनिंग मोमेंट इंडिया का दुबई क्रिकेट स्टेडियम से. और मैच प्रेजेंटेशन के लिए पीछे है वसीम अकरम और इरफान पठान.